हेलो दोस्तों, स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं उमोंसु थार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टीसीएस ऑन सेल्स, जो इनकम टैक्स का जो नया प्रोविजन है जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो चुका है, तो उसकी एंट्री हम जो सेल्स इनवॉइस की एंट्री है उसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई ऐसा दुकानदार, ऐसी कोई कंपनी जिसकी लाइबिलिटीज अपने सेल्स इनवॉइस पे टीसीएस लगाने की तो नहीं बनती, लेकिन जब वो अपने सप्लायर से कोई गुड्स परचेज करता है तो वो सप्लायर्स उस कंपनी को अपने सेल्स इनवॉइस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स के अलावा एक टीसीएस टैक्स है वो भी उसे लगा कर देगा। क्योंकि जैसा कि आप ये इनवॉइस देख रहे हो, इसमें सेलर है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी और इसका एक कस्टमर है यानी कि इसका एक बायर्स है सत्यम इंटरप्राइजेस। स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी ने सत्यम इंटरप्राइजेस को 30 सितंबर 2020 तक 50 लाख से ज़्यादा की टर्नओवर कर चुका है, यानी कि स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी ने सत्यम इंटरप्राइजेस को 50 लाख से की ज़्यादा की सेल अभी तक 30 सितंबर 2020 तक से पहले कर चुका है। तो अब उसके बाद में जब भी सत्यम इंटरप्राइजेस स्मार्ट ट्रेडिंग से कोई गुड्स परचेज करेगा तो हर इनवॉइस पे उसे टीसीएस टैक्स जो लग के आएगा। लेकिन अब सत्यम इंटरप्राइजेस की जो लाइबिलिटीज है वो अपने कस्टमर को अपने सेल्स इनवॉइस पे टीसीएस टैक्स नहीं लगाता, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन से ये बाहर है। एक तो इसकी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की जो टर्नओवर है इसकी वो 10 करोड़ से कम है, और अभी तक कोई इसका ऐसा कोई बायर्स नहीं है, ऐसा कोई कस्टमर नहीं है सत्यम इंटरप्राइजेस का जिसने अभी तक सत्यम इंटरप्राइजेस से कोई 50 लाख से ज़्यादा की कोई गुड्स परचेज किया हो। तो अब सत्यम इंटरप्राइजेस अपने बुक्स में इसकी एंट्री किस तरीके से करेगा अपनी टेली सॉफ्टवेयर में, जो उसके पास टीसीएस टैक्स जो लग के आया हुआ इनवॉइस में उसकी एंट्री कैसे करेगा। तो दोस्तों, आज ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली रूप से सीखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो आप हमारा पहली बार देख रहे हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी टेली, बीजी, मार्क, फेटेक्स, एसी और अकाउंटिंग और नई नई अपडेशन का वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने टेली में एक सत्यम इंटरप्राइजेस जो कि हमारी कंपनी है उसकी कंपनी मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट करके रखी हुई है, और यही जो परचेज इनवॉइस हमारे पास आया इसी की एंट्री हम टेली में करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर के परचेज वाउचर पे जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपको एक बात और बता दूँ, अगर किसी भी पार्टी की, किसी भी कंपनी की अपने सेल्स टैक्स इनवॉइस पे टीसीएस टैक्स लगाने की लाइबिलिटीज अगर उसके नहीं बनती है तो उसे टीसीएस टैक्स जो हम इनेबल करते हैं टेली में उसे इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि उसे केवल और केवल स्टेशनरी रिपोर्ट पे हम जाएंगे तो उसे केवल अपना जीएसटी टैक्स है जो हमेशा की तरह उसी को ही इनेबल करना है, और उसे ये जो टीसीएस टैक्स है ये इनेबल नहीं करना है अगर उसको अपने सेल्स इनवॉइस पे टीसीएस टैक्स लगाने की लाइबिलिटीज अगर नहीं बनती है तो। अगर उसे केवल परचेज इनवॉइस पे ही टीसीएस लग के आता है तो भी उसको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल सेल्स इनवॉइस के लिए ही इनेबल करने की ज़रूरत होती है। तो मैंने हमेशा की तरह इस जीएसटी को भी इनेबल करके रखा हुआ है और इसे मैं एक्सेप्ट करूँगा, और उसके बाद उस वाउचर की मुझे एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए मैं टेली के होम पेज यानी कि गेटवे टेली पे आके अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके और परचेज वाउचर में इसकी एंट्री करूँगा। तो एक बार वाउचर भी हम देख लेते हैं, और इस इनवॉइस का जो नंबर है वो है 5847। तो 5847 हम भी इस वाउचर नंबर में एंट्री करेंगे, और उसके बाद जो इस इनवॉइस की जो डेट है वो है 1 अक्टूबर 2020। तो हमें डेट चेंज करनी है, तो डेट चेंज करने के लिए F2 और 1 अक्टूबर और सप्लायर इनवॉइस नंबर में हम 4847 हम इंटरप्रेस करेंगे, और जिस कंपनी से हमने गुड्स परचेज किया उसका लेज़र भी मैंने क्रिएट किया हुआ है, यानी कि स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी, और स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी का भी लेज़र मैंने क्रिएट किया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। और स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी ये मेरे लिए सप्लायर्स है, तो मैं इसे सेंट्री क्रेडिट्स में रखते हुए और इसे मैं रेगुलर में रखते हुए इसको सेव करूँगा। और उसके बाद में मैंने एक इसे गुड्स परचेज किया हुआ है
मोबाइल, तो उस मोबाइल का स्टॉक आइटम का नाम भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, तो इसको भी मोबाइल अंडर में इसको मैं प्राइमरी एक बार रखूँगा और पीस में रखते हैं इसको, और इसका जो जीएसटी वगैरह है वो सब कुछ मेरे को यहीं पे ही इनेबल करना पड़ेगा। अब इस पर TCS का आपको कोई भी किसी भी टाइप की कोई स्ट्रेचरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो नहीं होगी क्योंकि हमने इसको TCS को इनेबल नहीं किया हुआ है। और इंटरप्रेस करते हुए इसको हम सेव करेंगे, और क्वान्टिटी इसकी एक है, और इसका जो टैक्सेबल रेट जो है वो है 20,000 रुपये, तो वो 20,000 रुपये भी मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। और यहाँ पर मुझे एक मोबाइल्स परचेज 18% के नाम से एक मैंने परचेज का लेज़र ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये मोबाइल परचेज 18% और अंडर में ये परचेज काउंट करेगा। इस तरीके से GST इस पर एप्लीकेबल है, और टाइप ऑफ सप्लाई में इसको मैं गुड्स रखते हुए इसको सेव करूँगा। और उसके बाद हमेशा की तरह CGST टैक्स और SGST टैक्स। अब यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल अभी तक चल रहा था, लेकिन अब जो एक नया लेज़र आया है TCS का, तो ये स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के लिए एक लाइबिलिटीज टैक्स है, और सत्यम इंटरप्राइजेस के लिए एक तरीका का ये एडवांस टैक्स बन जाएगा इनकम टैक्स का। तो अब हमें यहाँ पे एक नया लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा विथ TCS ओन परचेज। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट यहीं क्रिएट करूँगा इसके लिए Alt+C, और नाम लिखूँगा यहाँ पे TCS टैक्स ओन परचेज। अगर आप इसके आगे कोई फाइनेंशियल देना चाहो तो आप दे सकते हो, इसे आपकी ज़्यादा और ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि अब ये आपके हर साल TCS टैक्स आपको लगता आएगा, तो आपने कौन सा TCS टैक्स अपने इनकम टैक्स के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लिया है तो आपको इसके लिए आसानी रहेगी। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको 2020-21 का एक वर्डिंग इसके आगे भी लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि मुझे 2021 में मैंने TCS इतना एडवांस पेड किया है, 21-22 में इतना किया है, 22-23 में इतना किया है। और इससे हम अंडर में रखेंगे करंट एसेट, क्योंकि ये हमारी एक बैलेंस शीट का पार्ट है। जिस तरीके से हमारा एडवांस TDS कटता है उसी तरीके से ये TCS भी एक तरीके का एडवांस टैक्स है जो कि हमारा इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा, और कुछ भी इसका नहीं करना है, और सीधा इसके कंट्रोल ऐसे ऐसे मैं एक्सेप्ट करूँगा। और उसके बाद में यहाँ पर जिस रेट से TCS लग के आया है वही रेट हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। अब जो TCS का रेट है वो 0.075%, तो 0.075% यहाँ पर मैं दूंगा। तो अब अगर टैक्स की मैचिंग अगर हम करें तो टेली ने यहाँ पे जो कैलकुलेशन करी है वो 15 रुपये की करी है, जबकि इस इनवॉइस में जो टैक्स लग के आया है वो 17 रुपये और 70 पैसे का लग के आया है। तो इस तरीके का अगर आपकी टेली में जो मिसमैच की जो कैलकुलेशन हो रही है तो इसके लिए हमें एक ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। आपको परचेज वाउचर पे रहते हुए F12 प्रेस करना है, और F12 प्रेस करते हुए आपको एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्ट्रेचरी ऑप्शन में भी, कैलकुलेट टैक्स ऑन करंट सब टोटल। आप इस फंक्शन को यस करना आपको पड़ेगा, तो मैं इसको यस करूँगा और इंटर प्रेस करते से यस करूँगा। तो जैसे इसको मैं यस करूँगा तो जो मेरी कैलकुलेशन है वो एज पर इनवॉइस के अनुसार ये 17 रुपये 70 पैसे की ऑटोमेटिक ही कैलकुलेशन कर लेगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST और SGST यानी कि नेट अमाउंट पे ये 17 रुपये 70 पैसे का जो टैक्स है ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट हो जाएगा। और मैं इसे इंटर प्रेस करते हुए से मैं वाउचर को भी सेव करूँगा। अब ये TCS ओन परचेज का जो हमने लेज़र क्रिएट किया एडवांस टैक्स का, इसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा? इसका इफेक्ट हमारी बैलेंस शीट पर आएगा, तो इसको बैलेंस शीट भी हम देखेंगे। तो इसके लिए वापस गेटवे टैली पे और बैलेंस शीट पर, और इसकी डिटेल में Alt+F1 के साथ अगर देखूँगा तो ये जो 17 रुपये 70 पैसे ये इस करंट एसेट की साइड में यहाँ पर अब शो होने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये TCS हमारा ओन जो परचेज का टैक्स है 17 रुपये 70 पैसे का, ये हमारा एडवांस इनकम टैक्स हो गया। जब हमारा इनकम टैक्स बनेगा तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये इनकम टैक्स हमारा नहीं बनता है, न कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो टैक्सेबल की कैटेगरी इनकम में नहीं आता है, तो ये 17 रुपये 70 पैसे का हमें रिफंड भी होएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।